था, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था जिस तरीके से सर ने चीजों को इंटरलिंक करा सीरीज से। पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना बस? नहीं नहीं बिल्कुल। अलग सर का नाम है जेन्युइन ना, अलग सर का नाम। अगर मंथली रिपोर्ट में आप अच्छा परफॉर्म करते हो, टॉप 150 ऑफ द स्टूडेंट्स में आते हो, प्लस हर टेस्ट में 30% ऑफ मार्क्स आते हैं, तब फिर आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी मिलती है। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपने पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का ऑनलाइन बैचेस के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। आज मैं हूँ पटेल नगर, जो कि आप ऊपर देख रहे हैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस लिखा हुआ है, ये उनका क्लास रूम है ऑफलाइन का। इस वीडियो में डिटेल बात करेंगे जो 2025 का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है ऑफलाइन सेंटर पे, क्योंकि करोल बाग आपकी मेन इंक्वायरी ऑफिस है और जो क्लासरूम चलता है यहाँ पटेल नगर चलता है, जो कि ऊपर आप देख रहे हैं। अभी कुछ एस्पिरेंट हैं जो 2025 के लिए जिनका पहला बैच स्टार्ट हुआ है, उनका रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि उनका रिएक्शन क्या है, ओपिनियन क्या है बैच को लेके। तो अभी आप पीछे देख रहे हैं बच्चे निकल के आए, ये पहला बैच है जो 2025 का हो रहा है, तो एक एक करके रिव्यू करते हैं। क्या नाम है आपका? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस क्लासरूम का? क्या नाम है? साधिका। मैं यूपी लखनऊ से हूँ और हाँ, ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रिपेयर कर। तो आज आपका पहला दिन था या फिर फिनिश वाले बैच? नहीं, फिनिश वाले बैच से। फिनिश वाले थे। एक आप अच्छे कैंडिडेट हैं जिससे मैं पीडब्ल्यू के ऑफलाइन की चीजें पूछ सकता हूँ। तो ओवर द पीरियड आपको क्या क्या देखने को मिला चैलेंजेस पीडब्ल्यू में? डायरेक्ट मैं एक्चुअली कमियां पूछ रहा हूँ। कमियां तो ऐसा नहीं दिखी कोई, और जो भी दिखी वो हमने उन्हें बोली तो उन्होंने इम्प्रूव किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो कुछ भी ऐसा नहीं मैंने पर्सनली फेस किया। ओके, जो आपको काउंसलिंग में बताया गया था कि मेंटरशिप और टीचर की अवेलेबिलिटी और जीएस और जो सी सेट के क्लास वगैरह रहे, प्रॉपर चले हैं या फिर बीच में कुछ गैप किया गया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, जैसे उन्होंने बताया था वैसे ही चला। कुछ क्लासेस अगर किसी ने 30 डेज का उन्होंने बोला था, तो अगर कभी एक्सटेंड हुआ है तो उन्होंने मैनेज किया प्रॉपरली, तो हर चीज का ध्यान रखा गया। एक्चुअली थोड़ा सा मैं आपसे डिटेल क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि ऑफलाइन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं पीडब्ल्यू के, ऑनलाइन के बारे में उनके बैचेस के बारे में सब जानते हैं। कुछ कैंडिडेट हैं जो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा डिटेल और रफ टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जो बुक वगैरह मिली थी, जो मेंटर हैं आपके, प्रॉपर टाइम देते हैं नहीं देते हैं, आप एक बार बताएं। प्रॉपर टाइम देते हैं, जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है हमें पूरा टाइम क्लास के बाद भी देते हैं। इनफैक्ट हम ऑनलाइन भी जब भी हमें जरूरत होती है तो हम रीच करते हैं, वो एट द सेम टाइम रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। क्या नाम है आपका? गौरव नाम है मेरा। मेरी आज पहली क्लास थी पीडब्ल्यू में और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा था, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था जिस तरीके से सर ने चीजों को इंटरलिंक करा सीरीज से, हमें समझाने की कोशिश करी और हमें समझ भी बहुत अच्छे तरीके से आया, तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। कौन सर ने बताया? सुमित सर ने आके पहले हाँ थोड़ा हमें हौसला दिया कि हाँ आप लोग कर सकते हो, उसके बाद हमने स्टार्ट करा। आपने डेमो लिए है आज या फिर एडमिशन ले लिया? मैंने एडमिशन ले लिया है और मैं दिल्ली से ही हूँ। सर ने पहले जब सुमित सर आए तो उन्होंने पूरा पैटर्न एक्सप्लेन करा, उसके बाद उन्होंने मॉडल के बारे में एक्सप्लेन करा, सीटीआर मॉडल पे बेस्ड है पूरा। उसके बाद जो क्लास हुई हमारी उसमें भी सर ने सबसे पहले बैकग्राउंड दिया, हमें समझाया कि कैसे चलती है हिस्ट्री, फिर उसके बाद वो मॉडर्न हिस्ट्री पे उनको उन्होंने पूरा खोला, टाइमलाइन के थ्रू हमें पूरा समझाया, एंड देन फिर उन्होंने अभी भी पूरा ओवरव्यू दिया और अच्छे से हम कल स्टार्ट करिए अपने टॉपिक। कितने लोग बैठे थे? अराउंड 250 to 300 स्टूडेंट्स। चलिए, दिस ऑल द बेस्ट। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा, बढ़िया। सुमित सर से भेंट हुआ? फर्स्ट टाइम हुआ था जब ओरिएंटेशन स्टार्ट हुआ था, तो सेटिस्फाइड हूँ, काफी अच्छा है, मतलब आंसर राइटिंग भी आप अच्छे से सीख सकते हैं, डेली आंसर राइटिंग होती है, सीटीआर मॉडल बेस्ड है, सब कुछ अच्छा है। सुमित सर ने क्या क्या बताया लगभग आप बताएं? एक्चुअली मैं पुराने बैच से हूँ, तो मेरा ओरिएंटेशन अभी सुमित सर के साथ नहीं हुआ, मेरा ऑलमोस्ट एंड चल रहा है, फिनिश आपका बैच होने वाला है। तो आप एक बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं जिनसे मैं पूछ सकता हूँ, जो आपको ओरिएंटेशन में बताया गया था और आप अभी लास्ट आपका, तो कुछ आपको इतने ड्यूरेशन में दिक्कत समझ में आई कभी? नहीं, वैसे ऑलमोस्ट कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कोई दिक्कत भी लगती है तो आप यहाँ पे मेंटर से पूछ सकते हैं। मेंटरशिप आपको हो जाती है इजीली? इजीली, कोई कभी दिक्कत नहीं हुई आपको? नो, मुझे तो नहीं। बुक वगैरह लेने में? नहीं। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। क्या नाम है आपका?
आज ये आपका पहला था या फिर आप फिनिश वाले बैच? पहला। तो क्या एक्सपीरियंस था आपका? अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तो आपने एडमिशन ले लिया या फिर डेमो? एडमिशन ले लिया। तो थोड़ा बताएंगे कि कैसे क्लास स्टार्ट हुई थी? आप किसी और से पूछ लो, बोलने में मैं सही हूँ नहीं। अरे कोई बात नहीं, जो आपने एक्सपीरियंस किया वही बोल दो। कुछ नहीं, बस आज सर ने समझाया है कैसे प्रिपरेशन करनी है, ऑप्शन कैसे चूज करनी है, वही सर ने सारी डिटेल्स दिया है। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री हम लोगों का थोड़ा बताया गया। आपने कोई और कोचिंग देखा था या फिर डायरेक्ट यही आया? तो खुश हो इस सेंटर से? जेन्युइन दे रहे हो या फिर ऐसे ही बोल रहे? जेन्युइन दे रहा हूं, क्योंकि लोग देख के आपको जज करेंगे। नहीं, मैं सच्ची बोल रहा हूं। चलिए सर, दिस ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आज पहला दिन था आपका या फिनिश बैक? हमें आज पहला दिन था, फर्स्ट डे था। तो क्या रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ऑनलाइन का फीस काफी सस्ता है, पीडब्ल्यू का अफोर्डेबिलिटी के लिए जाना जाता है, आपने ऑफलाइन क्यों ज्वाइन किया पीडब्ल्यू को? और भी आपके पास ऑप्शन थे? ऑफलाइन ज्वाइन करने का मेरा पर्पस ये था कि ऑनलाइन में मैं उतना कंफर्टेबल नहीं रहता जितना मैं ऑफलाइन में रहता हूँ। मेरे को उतनी अंडरस्टैंडिंग, क्लियर अंडरस्टैंडिंग मेरी ऑफलाइन में इतनी अच्छी होती है कि जितनी मेरे को ऑनलाइन में नहीं मिल पाती है, इसलिए मैंने ऑफलाइन प्रेफर करा। ठीक है, विश ऑल द बेस्ट। आपने एडमिशन ले लिया? डेमो था? नहीं, एडमिशन ले ली मैंने। एडमिशन हो गया, क्या एक्सपीरियंस था? बढ़िया एक्सपीरियंस था। उन्होंने पूरा डिटेल में बताया कैसे कवर करना है, क्या करना है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को एम्फसाइज करा कि कीवर्ड्स कैसे करने हैं। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। आप पीडब्ल्यू को क्यों ज्वाइन किए थे? आपके पास और भी ऑप्शन थे, आपने सर्च किया था, देखा था, किसी से सुना था, इन्फ्लुएंस हुए थे, क्यों ज्वाइन किया? फ्रेंड्स के सजेशन पे ज्वाइन करी थी, उन्होंने भी करा रखा था। क्या कुछ आपने एनालिसिस किया था? नहीं, अभी तो नहीं करा है। ओके, एनर्जी तो ओवरऑल पॉजिटिव ही थी, तीन चार लेडीज लगी हुई थी पीछे बैठने पे, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तो इट वाज ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। जो पीछे बैठा था उसको भी प्रॉपर? हाँ। पीडब्ल्यू के बारे में सबसे कुछ पॉइंट अगर बताना चाहे आपको बेस्ट क्यों लगता है? जी अभी तो ज्वाइन करी है तो उतना आइडिया है नहीं। चलो ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, आपका नाम? आदित्य राज। कहाँ से हो आप? शादीपुर, न्यू दिल्ली। मैं इस फील्ड में बिल्कुल न्यू हूँ और मेरे को पता नहीं था कि किस तरीके से चीजें हैं, तो वो उन्होंने बताया और काफी डिटेल्ड मैंने उन्हें बताया, मेरे हर छोटे छोटे से छोटे डाउट को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया और अभी मेरे को पता है कि हाँ किस तरीके से मेरा रोड मैप होने वाला आने वाले टाइम। बड़ाई नहीं कर रहे हो ना बस? नहीं बिल्कुल। अलग सर का नाम है, जेन्युइन ना? अलग सर का नाम। कोई एक खास वजह क्योंकि आपके पास और भी ऑप्शन थे? सबसे ज्यादा ट्रस्ट अगर हमारी जनरेशन के किसी बच्चों को है तो वो है अलग पांडे सर में, तो इसीलिए। और फीस भी काफी काफी अफोर्डेबल है। चलिए, आइए लेके चलता हूँ इनके मेन ऑफिस में, वहाँ चल के बात करते हैं। करोल बाग का मेन ऑफिस है, आप देख सकते हैं यहाँ रखी हुई है। ये एरिया पूरा काउंसलिंग का? एग्जैक्टली काउंसलिंग का प्लस मेंटरशिप का, और इसके साथ यहाँ पर क्रिएटिव की टीम भी बैठती है। ठीक है, अगर मैं इसमें ऐड करूँ फीस को और क्लासरूम के क्राउड को, वो क्या है? क्योंकि अगर आपके क्लासरूम में 500 बच्चे बैठे रहेंगे तो कैसे कोई पीछे वाला पूछ सकता है? क्या बैच साइज रहता है? देखिए, बैच साइज जो हमारा रहता है 250 to 280 रहता है। ओके, जो कि अगर आप कंपेयर करो जो भी वेल एस्टैब्लिश्ड जो जगह है तो उनसे काफी कम है। जो यहाँ पर क्या होता है ना कि अराउंड 700 to 800 का भी बैचेस बहुत जगहों पर चलता है, बिल्कुल है, जबकि यहाँ पर 300 का बैच चलता है। अब ऐसे में यहाँ पर दो स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करते हैं। फर्स्ट तो ये कि रनिंग क्लास के दौरान आप डाउट्स पूछ सकते हैं हैंड रेस कर, जो कि एक ट्रेडिशनल मेथड है, स्कूल्स में भी होता था, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता या वो शाय नेचर के होते हैं। हाँ, तो ऐसे में क्लास के बाद एक डाउट सेशन होता है 30 मिनट्स का। ओके, अगर आपको कोई डाउट है आप रुक सकते हो, अदरवाइज यू आर फ्री टू गो। डाउट सेशन 30 मिनट्स का होता है जो दो मेंटर्स कंडक्ट करते हैं। अब क्योंकि ये दोनों मेंटर थ्रू आउट द सेशन क्लास में ही है, सो आपको रिवीजन, लेक्चर या टेस्ट इनके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आप इनसे क्लियर आउट करा सकते हैं, नंबर वन। अब सपोज करो कोई एक स्टूडेंट है क्लास के बाहर आ रहा है, उस टाइम पे डाउट आ रहा है, अब ऑब्वियसली वो वापस क्लास में आएंगे तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, क्योटिक माहौल है, तो क्लास के बाहर मेंटर्स का ऑफिस भी होता है। ओके, तो वहां पर भी जाकर वो 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप होता है उनका जिस पर एवरीडे देयर इज अ मेंटरशिप सेशन गूगल में, वो अटेंड कर सकते हैं। अब क्योंकि वो भी ग्रुप सेशन है और इनको 1-to-1 इंटरेक्ट करना है तो वहां पर मेंटरशिप फॉर्म भी अवेलेबल है। मेंटरशिप फॉर्म वो फिलअप कर सकते हैं, टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। कभी कोई एसेज इशू आ जाता है कि एकेडमिक या नॉन एकेडमिक एंगल से इशू आ जाए, वो डायरेक्टली मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इंग्लिश मीडियम का जो फीस स्ट्रक्चर है हमारा ऑफलाइन का, इट इज 1,25,000। इसमें कुछ हिडन चार्ज? नो हिडन चार्ज। और इसमें क्या क्या है इंक्लूड आपका?
जैसे जीएस और एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, जीएस, सीसैट, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, मटेरियल, लाइब्रेरी, एवरीथिंग. देयर इज अ कैच कि लाइब्रेरी जो फैसिलिटी है फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट वो तभी आपको मिलती है जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो. लाइक डेली टेस्ट आप दोगे, वीकली टेस्ट आप दोगे, उनके मार्क्स के बेसिस पर आपका मंथली रिपोर्ट देता है. अगर मंथली रिपोर्ट में आप अच्छा परफॉर्म करते हो, टॉप 150 ऑफ द स्टूडेंट्स में आते हो, प्लस हर टेस्ट में 30% ऑफ मार्क्स आते हैं, तब फिर आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी मिलती है. वन थिंग. सेकेंडली, ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी फैसिलिटी आपको मिल गई तो आप रिलैक्स हो गए. नहीं कर सकते हो आप ऐसा, बिकॉज इस मंथ आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो इस पर्टिकुलर मंथ आपकी लाइब्रेरी फैसिलिटी स्नैच भी हो सकती है. ओके. फिर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको वो दोबारा मिल जाएगी. ओके. क्योंकि लाइब्रेरी फैसिलिटी इज लाइक अ प्राइस फॉर यू, और वो मोटिवेशन के तौर पे भी बिल्कुल, ताकि अच्छे से वो पढ़ के अपने उसमें ले पाए. और हिंदी मीडियम का क्या है? हिंदी मीडियम का फीस स्ट्रक्चर 82,600 ऑफलाइन. सेम वही फैसिलिटी और वही सर्विस. ठीक है. और इसके अलावा कुछ हिडन चार्ज वगैरह हो के, जैसे कुछ भी नहीं? ठीक है. ईएमआई के बारे में, ईएमआई भी कोई दे सकता है, नहीं दे सकता? ओके. सो ईएमआई का यहाँ पे दो स्ट्रक्चर है. सबसे पहला तो कि डायरेक्ट आप ईएमआई करवा सकते हो. लाइक अगर 1,25,000 वाले फीस स्ट्रक्चर की बात करो तो यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट्स का स्ट्रक्चर है. 45,000, 45,000 एंड 35,000. दो इंस्टॉलमेंट्स के बीच का गैप 30 डेज का होता है फर्स्ट ऑफ ऑल. लेकिन एक हमारा स्ट्रक्चर होता है कि क्योंकि फिजिक्स वाला हमेशा अपने अफोर्डेबिलिटी के लिए जाना जाता है. बिल्कुल. सो यूपीएससी के प्रिपरेशन में, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ वाले फाइनेंशियल थोड़ी से, सो फाइनेंशियली दे आर चैलेंज्ड. बिल्कुल. तो ऐसे में फिजिक्स वाला ने इस साल से इनिशिएटिव लिया है दैट हम उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं. कैसे? सो नो कॉस्ट ईएमआई प्रोवाइड करते हैं, जिसमें फीस स्ट्रक्चर 1,10,000 रहती है उनकी. आपको सिर्फ रजिस्टर करना होता है 11,800 से. ओके. जो रिमेनिंग बैलेंस रहा 98,200, इट इज डिवाइडेड इनटू 6 इंस्टॉलमेंट्स. अच्छा, 6 पार्ट में दे सकते हैं. एग्जैक्टली. ओके. वो 6 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइडेड है विद नो एडिशनल इंटरेस्ट. ठीक है. और सर, कभी कभी क्या होता है कि अपना डिसीजन कभी गलत हो जाता है कि मैं दिल्ली आया, दिल्ली आपके ऑफलाइन सेंटर में मैंने एडमिशन ले लिया, एक दो महीने बाद मुझे लगा कि अब मुझे दिल्ली छोड़ना चाहिए और मुझे अपने शहर, जो भी ऑफलाइन सेंटर आपका मुखर्जी नगर है आपका और लखनऊ है, पटना है, अगर पटना शिफ्ट होना चाहता है तो क्या चेंज कर सकता है? देखिए, इनिशियली तो शिफ्ट करने के लिए आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. आपको एक बार मेंटर से बात करनी पड़ेगी, अपने गाइड से बात करनी पड़ेगी. उसके बाद फिर अगर वो चेंज करना चाहे, अगर सर्कमस्टेंस ऐसी है कि वो रह ही नहीं सकता, तो फिर वो चेंज हो जाएगा. CTR मॉडल ये क्या है? CTR एक्चुअली स्टैंड्स फॉर क्लासरूम टेस्ट एंड रिवीजन. मतलब ये हमारा टीचिंग मेथड है. इसका मतलब ये है कि एक दिन में ही एक सेशन के दौरान हम रिवीजन, लेक्चर और टेस्ट, ये तीनों कंडक्ट करेंगे. अब आप एक बात बताओ, आप चाहे किसी भी कोर्स में हो, कहीं पर भी आप क्लास में आते हो, इमीडिएटली मैं आपको आज का टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दूं, नहीं क्लियर कर पाओगे आप. आपके माइंड में वो चीजें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि माइंड को भी 15-20 मिनट्स लगते हैं रिलैक्स होने में, एक्लेमेटाइज होने में. हाफ एन आवर का टाइम हमने रिवीजन में इसलिए दिया क्योंकि आपने वो चीजें पढ़ रखी हैं, रिवाइज करेंगे, आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे. प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन होता है तो आप चीजों को कनेक्ट तो कर पाते हो, कॉन्फिडेंस भी आता है आपके माइंड में. सो अब जब लेक्चर स्टार्ट होंगे ना, तो आपके माइंड में उनको लेकर पॉजिटिविटी आएगी, कनेक्ट इजिली कर पाओगे, और जब टेस्ट दोगे लेक्चर के बाद, सो आपके माइंड में कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्ट अप होकर आता है. प्लस वो टेस्ट आपके लिए नोट्स की तरह भी काम करता है. मैंने ज्यादातर स्टूडेंट से ये भी सुना कि PWO ने मेंटरशिप आपकी लाइफ टाइम फ्री है, तो क्या वास्तव में सही है? एग्जैक्टली. इसमें मैं एक और चीज ऐड ऑन करूंगा कि जो GS फाउंडेशन का कोर्स होता है, अभी जैसे कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करता है 2024 में, ठीक है, तो 25 के लिए, तो उसके बैच की वैलिडिटी 3 साल है, यानी कि 30th of September 2027. लेकिन जैसा आपने पूछा मेंटरशिप को लेके, तो इट इज फॉर लाइफ टाइम, यानी कि जब तक वो प्रिपरेशन फेज में है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी कोई डाउट हो, वो डायरेक्टली आकर हमसे गाइडेंस ले सकते. सिर्फ और सिर्फ इसी सेंटर पे ले सकता है, अगर यहाँ पे लिया या फिर पटना, लखनऊ, कहीं भी ले सकता है मेंटरशिप? अक्रॉस एनी सेंटर, ये चारों जो भी फिलहाल में ऑफलाइन सेंटर, वहाँ पे ले सकता है. एक और पॉइंट जो मैं ऐड ऑन करूंगा कि मैं ऑल्दो मैं यहाँ पे काउंसलर एज अ काउंसलर हूँ, बट यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट से भी स्टूडेंट्स आते हैं. क्यों? जो कि अपने प्रेजेंट कोचिंग स्ट्रक्चर से सेटिस्फाइड नहीं है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि फर्स्ट लेक्चर पॉलिटी का हो गया, सेकंड इकोनॉमी का हो गया, देन हिस्ट्री का हो गया. तो ऐसे में क्या होता है ना, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ही नहीं है उनके पास फॉलो करने के लिए, एंड दे
also are willing to switch. कि मैं पहले XYZ किसी कोचिंग में था, अब मुझे PW only आया इसमें. This is because हमारा एक scientific structure है. स्टूडेंट को इम्पैक्ट दिखता है. And that's because कि हमारा जो scientific structure है वो हम explain कर पाते हैं कि आप इसको follow करोगे. And that's not only कि आप UPSC की preparation कर रहे हो. Even अगर कोई standard 5th का भी student इसे follow करता है, उसके लिए भी beneficial है. Okay, तो काफी आपने information दी. Thank you so much. काफी सही दिया सने. Hope guys ये video आपको valuable लगी हो. जितने भी अगर कोई भी आपके डाउट है, दिए गए नंबर पे या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ फॉर्म फिलअप करके किसी भी यहाँ पे काउंसलर से आपकी बात हो जाएगी. पर्सनल लेवल पे जो भी आपका डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं. उसमें रेफरल जो है वहाँ पे स्टूडेंट से लिखेंगे तो आपको अगेन डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा. और अगर सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं. थैंक यू सो मच.